हेलो बच्चों, हम आज सीखने वाले अरेंज दिस नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हमारा होता क्या है, मीन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग में पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे पास 10, 12, फिर 14, 16, मीन इससे बड़ा क्या है, 12 है। 12 से बड़ा 14 है, 14 से 16 है, और 16 से बड़ा 18 हो जाएगा या 19 हो जाएगा। मीन हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की ओर जाना है। तो हमारा क्या है क्वेश्चन, अब हमें इसमें से छांटने, हमारा 128 है, 120 है, 102 है, 182। तो हमने देखा हमारे थ्री डिजिट में, 1, 10, 100 में सारे, तो हमें मालूम 128 121। तो हमने अब क्या करना, हमारे 100 में तो सभी हैं, 100 में सारे। अब हमें देखना है कि 101 102, तो हमने देखा 102। 100 के बाद सबसे पहले क्या आ रहा, 102। तो हमने बोला हमारा सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 102। अब फिर देखेंगे 102 के बाद क्या रहा, 103 4 5 6 7 8 9, कुछ नहीं है, सीधे 20 है। ठीक है, तो फिर 28 है, इसमें हमारा क्या आएगा, 20 120 दूसरे पे आएगा। फिर हमें 21 22 23 24 देखेंगे तो क्या आ रहा हमारा, 128, और उसके बाद सीधे 182, तो लास्ट में 182 आता है। ठीक है, हमने क्या देखा कि 100 थ्री नंबर्स है, थ्री डिजिट में, 100 में सारे नंबर थे। हमने लास्ट के देखे, हमने सबसे पहले 2 आता है, फिर 20 आता है, फिर 28 आता है, फिर 82 आता है। इट मीन हमारा 102 120 128 182, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया, मीन इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। यहाँ भी देखेंगे 143 है, 154 है, 194 है, 138 है। अब सबसे पहले क्या आएगा, 43 आएगा, 54 आएगा, 94 आएगा, 138। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 138 है, क्योंकि 100 तो सभी में है आगे से, तो 100 एक मिनट के लिए भूल भी जाओ, तो हमें 138 सबसे बड़ा। उससे बाद क्या आता, 143 आता, क्या आता, 143। अब फिर हम गिनेंगे 43 45 46 47 48 49 50 51 52 54, तो क्या आ रहा, सीधे 54 आ रहा, तो 154, और लास्ट में हमारा 194 बच रहा। ऐसे हमारे पास 207 270 232 233। तो हम देखेंगे 200 तो सब में, तो हमें फिर वही देखना कि सबसे पहले क्या आ रहा है, 7 आता है सबसे पहले, 200 के बाद सबसे पहले क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने कहा सबसे छोटा हमारा 7 हो गए। अब फिर 7 से आगे हम गिनेंगे तो हमारे को सबसे पहले क्या मिलेगा, 32 मिलेगा, 232 मिलेगा। उसके बाद तुरंत 33 है, तो 233, उसके बाद 270, यहाँ 238 234 198 और 208। तो हम फिर 200 है, 100, हाँ अब यहाँ डिफरेंस है, यहाँ 200 200 200, ये 100 में। तो सबसे पहले तो यही लिख देंगे हम, 100 में है, क्योंकि 200 से पहले क्या था, 100 आता, 100 में जो भी होगा। अब 198 के बाद क्या, 199, फिर 200, फिर 200 के बाद क्या आ, 208, तो इसके बाद क्या आएगा, 208 आएगा, और फिर यहाँ 38 है, 234 है, तो 34 पहले आता है, तो 234, और लास्ट में 238। तो इस तरह हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो थैंक यू।